नमस्ते दोस्तों, अंजलि की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना की बर्फी। ये कम इंग्रेडिएंट्स में एकदम सॉफ्ट डिफरेंट स्वाद को जरूर पसंद आएगी दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मैं अपना इस रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक पाव ना भिगा दी थी, भिगा के अच्छी तरह से इसको धुल ली थी दोस्तों। ये देखिए, इसको छन्नी की मदद से अब अच्छे से साफ करके इसको छन्नी में अच्छे से धूल मिट्टी साफ करके छन्नी में ऐसे रख ली हूँ दोस्तों। इसका पानी छन गया है दोस्तों। ये टॉवल पे हम अच्छे से टॉवल में डाल देंगे और इसका पानी सूख जाए तो टॉवल में ये देखिए डाल देंगे। और हम व्रत के लिए खाना बर्फी हम दोस्तों व्रत के लिए बना रहे हैं, तो हमने साबूदाना को धुला है, धुल के अच्छी तरह से साफ करके फिर देखिए टॉवल की मदद से हम इसको ऐसे इसका पानी सुखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और हम इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखेंगे। आप देख सकते हैं हम ऐसे पहले टॉवल की मदद से सुखाएंगे। साबूदाना प्रकार के मिलते हैं, एक बड़ा साबूदाना, एक छोटा साबूदाना, एक मीडियम साबूदाना। तो दोस्तों हम मीडियम साबूदाना लिए हैं क्योंकि देखिए हम इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए भी गया है। अब हम इसको कढ़ाई पे, हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है दोस्तों। अब हम साबूदाना को भुनेंगे, तो हम साबूदाना इसी में डाल देंगे। वो आँच करके इसको भुनेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाते जाएंगे ताकि हमारा साबूदाना जले नहीं, एकदम ये क्रिस्प हो जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे इसमें, कैसा कलर चेंज हो जाए। इसमें से पहले इसे थोड़ा सा भून लें, इसका पाउडर बड़ी आसानी से बारीक बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमने इन्हें गीले कपड़े से पोंछा था और 10 मिनट के लिए हमने इनको सुखाया भी था। थोड़ा सा हल्के से नरम थे लेकिन अब ये करारे हो गए हैं। थोड़ी देर और हम साबूदाना को अपने भूनेंगे दोस्तों। ये देखिए जैसे मैं भून रही हूँ ऐसे ही भूनेंगे। मैं 10 मिनट तक भून लिया है, कलर भी देखिए चेंज हो गया है। ये दोस्तों एकदम क्रिस्पी हो गया है, हमारे साबूदाना भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक बाउल में हम सारे साबूदाना को निकाल लेंगे। ये देखिए हम सारे साबूदाना को निकाल लिए हैं, मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखे थे। तो देखिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं, हमारा साबूदाना ठंडा हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक मिक्सचर जार लेंगे, उसी में हम डालेंगे और हम इसको पीस लेंगे, बारीकी से पीस लेंगे, एकदम आटे की तरह हमारा पीस जाएगा। ये हमारा साबूदाना आटे के रूप में तैयार हो गया है एकदम बारीक से। तो दोस्तों मैंने इसको पीस के छन्नी में, अब यहाँ पे कढ़ाई पे एक चम्मच तेल डालूँगी, सॉरी डालूँगी एक चम्मच में साबूदाना आटे को। तो हम हलवा भूनते हैं वैसे ही इसी तरह हम साबूदाने आटे को भूनेंगे, एकदम लाल नहीं करना है, हल्का सा आपको भूनना है ताकि हमारा कलर और स्वाद दो गुना बढ़ जाए दोस्तों। इसीलिए हम एक चम्मच देसी घी डालकर इसको भून रहे हैं। हमको साबूदाने आटे को भी स्लो गैस करके ही भूनना है ताकि हमारा साबूदाना आटा जले नहीं दोस्तों। स्लो फ्लेम पे हम भून लेंगे।
ये देखिए हम किस प्रकार भून रहे हैं। ये देखिए साबूदाना आटा भून गया है। अब हम इसको थाली में वापस ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हमने एक गिलास दूध लिया है। अब हम इसको कढ़ाई पे डालेंगे। ये देखिए गैस को हम तेज करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए उबाल आ गया है। अब छन्नी की मदद से इसको चलाते रहेंगे दोस्तों। इसमें उबाल आने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसको छन्नी की मदद से ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है दोस्तों। जो गैस हाई किए थे अब हम इसको स्लो करेंगे। साबूदाना आटा इसी में डालेंगे क्योंकि हम साबूदाना की बर्फी बना रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से छन्नी से अब इसको और ध्यान देना है। हम शक्कर और बड़ी वाली थोड़ा सा मिश्री इसी में डाल दिए हैं और शक्कर और बड़ी वाली मिश्री को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस को हम एकदम धीमा रखेंगे और छन्नी की मदद से इसको चलाते रहेंगे ताकि हमारा नीचे ना लगे। ये देखिए दोस्तों हम इसको मिलाते हुए धीमी आंच पर ही कुक करेंगे। ये देख रहे हैं आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। की मदद से इसको अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। देख सकते हैं आप लोग देखिए घी भी निकलने लगा है। अब ये कुक हो गया है। इसको जमाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक प्लेट ली हूँ उसमें थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ नीचे जमाने के लिए। देखिए बर्फी जमाने के लिए साबूदाना की बर्फी जमाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से ये देखिए यहाँ पे प्लेट को मैंने अपनी साबूदाना की एक प्लेट में रख दी हूँ। अब इसको छन्नी की मदद से ऐसे मैं इसका गोला बना लूँगी। इसके साइड साइड ऐसे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर दूँगी। देखिए देख सकते हैं इसका शेप बना दूँगी गोला गोला। देखिए एकदम केक के जैसे मैं बना रही हूँ एकदम गोला गोला। इसलिए मैं बर्फी जमा रही हूँ प्लेट में कलछुल की मदद से। तो देखिए यहाँ पर मैं टेप ये दे दिया है। अब इसके ऊपर मैंने काजू लगा दिया है दोस्तों। ये देखिए अब इसी के ऊपर देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम किशमिश इसके अगल बगल ऐसे सजा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं काजू किशमिश सजा दिए हैं। देख सकते हैं आप कितने प्यारे दिख रहे हैं देखने में कितना अच्छा दिख रहा है हमारा ये साबूदाना की बर्फी। हम देखिए डिजाइन बनाए हैं। अभी हमारी एक चीज़ इसमें बची है दोस्तों गरी का बुरादा डालेंगे इसमें ऊपर से। देखिए दोस्तों दिखने में कितनी प्यारी दिख रही है हमने जैसे सजा दिया है। अभी हमें एक इंग्रेडिएंट्स और डालना है से और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दी थी लेकिन मेरा वीडियो स्किप हो गया लेकिन मैंने नारियल का बुरादा इसमें डाली हूँ। तो चलिए दोस्तों एक लिए इसको ऐसे ही रख दिया था। तो अब हमारे 2 घंटे हो गए हैं। चाकू की मदद से कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे मैं बर्फी कट कर रही हूँ। इसे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं छोटे या बड़े जैसे आप लोगों को पसंद हो चाहे इसे आप बना सकते हैं। तो देखिए
पहले यहाँ पे इस पीसेस में कट कर रही हूँ। आप कोई भी पीसेस में कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, जैसे आपको पसंद हो वैसे इसका शेप दे सकते हैं बर्फी का। के मैं आपको दिखा रही हूँ, तो देखिए हमारी साबूदाना की बर्फी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बर्फी में आप कोई भी शेप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो देखिए और इसमें स्वाद भी बहुत है। ये देखिए अब हम इसे सजाने के लिए किशमिश, काजू और करी का बुरादा डाले थे ऊपर से। ये देखिए दोस्तों हम एक एक करके सारी बर्फियाँ निकाल लेंगे इसमें से। ये देख सकते हैं ये हमारी बर्फी कितनी प्यारी दिख रही है। उनका सोमवार व्रत चल रहा है दोस्तों, तो हम सावन के सोमवार व्रत के लिए हम इसको बनाए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग भी सावन के सोमवार के व्रत के लिए साबूदाना की बर्फी बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है दोस्तों खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा मेरे बताए हुए रेसिपी को। कि दोस्तों हमारी साबूदाना की बर्फी एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। और हमने तो सावन के सोमवार के लिए बनाया है, आप मन हो तो आप भी बना सकते हैं दोस्तों। और देखने में कितनी लग रही है और हमारी साबूदाना की बर्फी एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनी है दोस्तों। हमारे बताए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी आपकी बर्फी बनेगी। तो मेरे बताए हुए तरीके से दोस्तों आप लोग भी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।